in this section i will tell you how the price risk can be hedged using future contracts so we have already discussed that future contracts are the contracts which people do investors do or companies go for through the stock exchange and they are the there are certain rules and regulations that are that regulate the selling and buying of the futures contracts. So with the help of an example, I'll explain how the price risk means the fluctuation in the price risk, how they can be hedged using the con the concept of futures contracts contract. So suppose we are having a farmer in a situation just a crop hai or overall he is expecting to get a yield of around 10,000 months. जिसको हम उर्दू में दस हज़ार मन कह सकते हैं यानी कि चार लाख के जी उसका टोटल आउटपुट है मार्केट में प्राइस दो हज़ार रुपये एक मन की कीमत इस वक्त प्रिवेल कर रही है और देन देर इज़ अनदर कैरेक्टर जो हमने एक बेकर रज्यूम किया है तो दे द फार्मर बेसिकली वांट्स टू हेच ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी प्राइस फ्लक्चुएशन दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे कोई नुकसान हो जाएगा प्राइस के कम हो जाने की वजह से तो एज अ रिज़ल्ट वॉट हैपन्स दैट ही डिसाइड्स टू गो फॉर आ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वो एक मंथ की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है और उसने जो कीमत का तयन किया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपने एक माह के बाद अपने टोटल फसल को बेचने के लिए दैट इज़ एट द रेट ऑफ रुपीज़ टू थाउजेंड पर मंथ सो ही विल गेट आफ्टर अ मंथ ही विल गेट रुपीज़ ट्वेंटी मिलियन फॉर हिज एंटायर क्रॉप फॉर सेलिंग हिज एंटायर क्रॉप तो अब हम इस पर्टिकुलर टेबल में कुछ वैल्यूज दिए गए हैं जो कि बता रहे हैं कि वॉट विल हैपन इफ द प्राइस इन द मार्केट आफ्टर वन मंथ स्टेज एट रुपीज़ टू थाउजेंड पर मॉन्ड और इट गोज़ डाउन टू रुपीज़ फिफ्टीन हंड्रेड पर मॉन्ड और इट गोज़ अप rupees 2500 per month so you can see that in this table the overall proceeds from sale of wheat to distributor will be rupees 20 million if the price stays at the rate of rupees 2000 per month but the proceeds from sale of wheat to the distributor will go up

जो कैश फ्लो की वैल्यूज़ देखते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में इफ़ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको अगर कीमत दो हज़ार पर मन ही रहती है तो एक्स्ट्रा मनी तो आपको कुछ भी फार्मर को पे नहीं करना पड़ेगा उस आदमी को इन्वेस्टर को जिसने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किया है फार्मर के साथ लेकिन इन केस अगर एक माह के बाद कीमत 2000 से कम हो के पंद्रह सौ हो जाएगी तो उसमें उसको इजाफी पाँच मिलियन देने पड़ेंगे फार्मर को और अगर पच्चीस हो, हो जाती है तो फिर उसको फार्मर उसको फ़ायदा हो जाएगा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने वाला आदमी है जिसने वीट खरीदा है फार्मर से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको पाँच मिलियन का फ़ायदा इन केस अगर कीमत पच्चीस हो, हो जाती है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिर्फ दो हज़ार रुपये पर मन के ऊपर कीमत के ऊपर वीट को खरीद रहा है तो तीनों केसेस में जो टोटल रिसीट्स हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की दे विल स्टे एट रुपीज ट्वेंटी मिलियन बट यू कैन सी दैट देर वुड बी सम लॉस और सम प्रॉफिट इन केस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इस लॉस या प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए को अर्न करने के लिए ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की गई है बट एट द सेम टाइम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व हुए हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी रिस्क को कम करने की कोशिश की है सो बेसिकली वॉट दे हैव डन इज दे हैव डन हैजिंग अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशंस रिस्क बाय गोइंग फॉर द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सिमिलरली इफ़ वी लुक एट द बेकर्स ट्रांजेक्शन्स तो बेकर के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर कीमत एक माह के बाद जो अभी उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की है अगर कीमत 2000 पे ही रहेगी एक माह के बाद या वो 2500 हो, हो जाएगी या 1500 पे नीचे चली जाएगी इन बोथ केसेस कहीं पे बेकर को फ़ायदा पहुंचेगा अगर कीमत आपने कीमत अगर 2500 हो जाएगी तो उसको बेकर को फ़ायदा पहुंच रहा है रुपीज़ फाइव मिलियन विल बी पेड टू द बेकर उसका फ़ायदा हो रहा है पाँच मिलियन का और इन केस अगर पंद्रह सौ रुपए की कीमत हो जाती है तो फिर फार्मर को फ़ायदा पहुंचेगा फाइव मिलियन का सो दिस इज़ हाउ दे कैन बफर दैम सेल्व टू बिग शॉक्स बाय प्री प्लानिंग बाय मेकिंग दिस एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इन एडवांस और वी नो दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट वॉट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू आर गेटिंग इन दे विल भी डन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज सो इट्स इट इट हैज़ टू बी डन थ्रू अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू प्रॉपर चैनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा एक और फायदा ये है कि चूँकि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉल को ऑब्जर्व करना पड़ता है और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये तमाम ट्रांजेक्शन होते हैं लिहाजा वहाँ डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो दैट इज मिनिमाइज बिकॉज जो सेलर है और बायर है बोथ आर प्रोटेक्टेड दे आर डूइंग इट फॉलोइंग अ सिस्टम तो देर इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जो कि इन दोनों पार्टीज़ के ट्रांजेक्शन्स को गवर्न कर रहा है लिहाजा वहाँ डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती और इस पूरे जो पोजिशन उन्होंने लिए हुए हैं जहाँ फार्मर जो है वो शॉर्ट पोजिशन ले रहा है जो बेकर है वो लॉन्ग पोजिशन ले रहा है मैंने पहले ही वजाहत की थी शॉर्ट पोजिशन का मतलब है कि यू आर एक्सपेक्टिंग के द प्राइस माइट गो डाउन दैन द करंट लेवल जो स्पॉट प्राइस है उससे कीमत नीचे चली जाएगी तो आप फ़ौरन उसको बेचना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को इट मींस टेक्निकल टर्म में या इन्वेस्टमेंट की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट पोजिशन ले रहा है इस कॉन्टेक्सट में और इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस इज गोइंग टू एस्कलेट और इनक्रीज इन फ्यूचर तो आप अभी ख़रीदते हैं कोई चीज़ इस उम्मीद पे के फ्यूचर में वो जाके इसका इंक्रीज होने वाला कीमत तो यू आर टेकिंग लॉन्ग पोजिशन तो दिस इज हाउ वी गो बाय दिस टू टर्म्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी शॉर्ट पोजिशन लेगी दूसरी पार्टी लॉन्ग पोजिशन लेगी एंड बोथ आर गोइंग फॉर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क अटैच विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स